हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी जोतने हैं मेरे को बैल, लेकिन भाई मौसम देखो कैसा हो रहा है, एकदम कोहरा लगा हुआ भाई, पूरा अंधेरा। तो अभी आया था वैसे मैं हल लेने यहाँ पे, क्योंकि कल हमने भाई इस खेत में, ऊपर वाले घर के पास ये वाला खेत है ना, इसमें भाई बीन बो रखे थे। तो बीन बोने का काम यहाँ पर कल कम्प्लीट हो गया, तो आज है भाई भुट्टा बोने की बारी नीचे वाले घर के पास। तो देखो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, नीचे वाला घर भी नहीं दिख रहा, तो ऊपर वाले घर के पास हूँ भाई, फुल अंधेरा कोहरे से, देखो कैसा हो रहा भाई, ये बिल्कुल अंधेरा हो रहा भाई। चलो हल ले चलते हैं, बारिश भी हो सकती है यार। ये देखो भाई, तो भुट्टे बोने हैं हमें इस वाले खेत में भाई, घर के पास। तो चलो बैल लाते हैं, करते हैं शुरुआत भाई भुट्टा बोने की। ये बहुत हो रहे, ये उठ के आ रही है अभी, देखो ये। दोस्तों कर दिया है भाई भुट्टा बोना स्टार्ट, और कितनी दूर में बोया जा रहा है मम्मी? तो लगभग एक एक हाथ में बोया जा रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक वहाँ, तो काफ़ी, क्योंकि बाद में भाई जब बड़े हो जाते हैं पौधे, अगर हम नज़दीक बोएंगे तो बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है भाई गोड़ने गुड़ाई करने में, झाड़वाड़ निकालने में। और अभी बो रहे हम यहाँ से भाई यहाँ तक, तो इतने एरिया में भुट्टा जाएगा, यहाँ से ऊपर भाई गोभी। तो चलो आगे लगाते हैं हल और बोते हैं भाई भुट्टा। पहले मेरे को इस एरिया में बोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भाई आगे को हल नहीं लग सकता, तो पहले इस तरीके से बोएंगे, फिर भाई तिरछा। तो दोस्तों इसमें भाई एक बीज और बोना है, जो कि है ये सिम भाई, देखो बेल वाली बीन है ये, सिम तो सिम बोला जाता है वैसे इसको हमारे यहाँ, तो इसको भी भाई इसमें छड़ देते हैं। तो भुट्टे के जो पौधे हैं भाई काफ़ी बड़े होते हैं, तो बेल की वाली बेल, ये वाली बीन भाई, बेल वाली बीन इसमें सही होती है, क्योंकि भुट्टे के पौधों में बेल चढ़ जाती है और अच्छे खासे भाई उसमें फल लगते हैं, पौधे बीन। चलो इसको छोड़ देते हैं पहले। वो
लो भाई भुट्टे बोने का काम हो गया कंप्लीट। अभी वैसे बैल नहीं खोल रखे मैंने, भुट्टे सारे बो दिए हैं, बाकी अभी आया हूँ मैं ये भाई मोया ले जाने। तो बैल खोलेंगे, मोया लगाएंगे ना, पहले मोया लगाएंगे फिर भाई बैल खोल देंगे। चलो मोया ले चलते हैं। तो अभी भाई भुट्टे बोने का काम तो कंप्लीट हो गया, तो आज बारी है भाई पेड़ों में दवा डालने की। तो दवा मैंने मंगा दी थी, भाई आया था भाई हल्द्वानी से, तो वो दवा भी लेके आया है साथ में। भाई चलो दवा बनाना स्टार्ट करते हैं और पेड़ों में भाई आज दवा का छिड़काव कर देते हैं। वहाँ भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेड़ों में, भाई जो फफूंदी लगी हुई थी वो भाई उसमें आप कीड़े निकल रहे हैं तो पेड़ सूख जाएंगे यार। और ये भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है तू? ये क्या कह रहा था, ये क्या कर रखा है तूने? इधर देख तो, हाय बोल पहले। तो इसके यहाँ पर चोट लगी थी ना, इसमें भाई पाउडर लगा रखा है। हाँ रुक जा, बनाएगा अभी, बनाएगा रुक जा। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ निकाल दी है और ये जो दवाई आई थी भाई, ये दवाई ये रही। तो इसमें तीन छिड़काव की दवाई है ये, तो आज एक करेंगे फिर एक हफ्ते बाद और होगी। तो यहाँ पर ये भी ले आया मैं, मशीन भी ले आया, पानी भी ले आया। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, 15 लीटर बनानी है। तो पहले मैं बना लेता हूँ फिर भाई चलते हैं पेड़ों में दवा छिड़काव करने। ये देखो भाई दवा बन के रेडी है, तो इसको डालते हैं हम मशीन में और चलते हैं भाई बगीचे में। काफी खतरनाक बदबू आ रही है, चलो। तो दोस्तों आ गए भाई बगीचे में, चलो करते हैं स्टार्ट दवाई डालना। पहले दिखाते हैं आपको भाई, जो सारे पेड़ों में तो फफूंदी नहीं है, कीड़े जो फफूंदी लग रही थी ना पहले, वो भाई अब कुछ और ही दिख रहा है। देखो दिखाते हैं आपको, तो पहले तो मेरे को फफूंदी लगी वो खाली, लेकिन भाई आप तो वो लग रहे हैं कीड़े की तरह भाई। ये देखो इसमें सफेद सफेद कीड़ों के अंडे जैसे हो रहे हैं भाई, ये ऐसे कुछ। तो वैसे वीडियो में तो कीड़े नहीं दिख रहे, लेकिन मैंने सुबह इनको चेक किया तो जाली सी लग रही है और कीड़े से लग रहे हैं। देखो सारे पेड़ों में नहीं हो रही भाई फफूंदी, कीड़े जो भी हैं वो सब पेड़ों में नहीं है। थोड़ा मैंने मास्क लगा रखा है भाई, आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आ रही होगी। तो सारे पेड़ों में नहीं है भाई, जिन पेड़ों में नहीं है उनमें तो थोड़ा कम छिड़काव करेंगे, बाकी भाई जिन पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं फफूंदी और कीड़े तो उनमें भाई थोड़ा ज़्यादा छिड़काव करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट, बाकी ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई फोन भी पकड़ना और मशीन भी चलाना। तो चलो ट्राई करता हूँ मैं थोड़ा सा, और फिर इसके बाद भाई मैं सारे पेड़ों में पहले दवाई डालूंगा, फिर मिलते हैं भाई लास्ट में। ये बक्का भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार, तो इस तरीके से कुछ छिड़काव करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मैं कर लेता हूँ भाई, पहले ऐसे दिक्कत हो जा रही है फोन भी पकड़ना और छिड़काव भी करना। तो चलो लास्ट में मिलते हैं। तो ऊपर के दो खेतों में मैंने दवाई डाल दी है, बाकी अभी हूँ मैं लास्ट वाले खेत में। और यहाँ देखो भाई कितना ज़्यादा यार, क्या हो रहा है ये इसमें? देखो भाई पहले थोड़ा कम था, अब की बार फिर ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है। और पिछली बार ना एकदम फफूंदी जैसी दिख रही थी, लेकिन अब भाई कीड़े जैसे दिखने लग गए। तो ये भाई फफूंदी नहीं है, इसमें कीड़े उग रहे हैं भाई, कीड़े वहाँ नीचे तक है, ये देखो यहाँ पे। तो चलो इसमें भी दवाई डालते हैं, ये देखना आप, ये दवाई से भी हट जा रहा है। ये पानी का प्रेशर पड़ रहा है ना इस पर, ये भाई ये वाला पेड़ रह गया, एक वो पेड़ रह गया, बस दवाई डालने का काम कंप्लीट हो जाता है फिर। तो हो गया भाई काम कंप्लीट, सारे पेड़ों में डाल दी है दवाई, और साथ में भाई बादल भी गरजने लग गए। तो यार अभी तक तो बारिश नहीं हो रखी थी, लेकिन अभी बारिश हो जाएगी तो भाई सारा गड़बड़ हो जाएगा यार, इतनी दवाई डाल रखी है कोई फायदा नहीं। तो थोड़ी आज के दिन भी नहीं होती तो बढ़िया रहता यार, आज नहीं चाहिए हुई बारिश यार, दवाई डाल रखी है भाई। तो जितनी दवाई आ रखी थी उसका मैंने एक हिस्सा बना रखा भाई, तीन हिस्सों में बांटनी है वो, तो एक आज डाल दिया, बाकी भाई एक हफ्ते के बाद फिर डालनी है, फिर एक हफ्ते के बाद फिर डालनी है भाई, ऐसा कुछ है। तो चलो गरजने लग गए भाई, बारिश बारिश हो सकती है, बादल गरज रहे हैं। तो अब पहले घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं,
फिर देखते हैं भाई आगे क्या करना होता है, फिर मिलते हैं। तो अभी शाम के भाई 5 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं मिर्ची के खेत में। भाई खाना खा के थोड़ी देर आराम करके हम आ गए थे खेत में, और यहाँ से कल भी थोड़ी देर निकाला हमने यहाँ पे, और आज भाई यहाँ से आगे को स्टार्ट किया है, यहाँ तक निकाल दिया है। अभी भाई काफ़ी ज़्यादा बाकी है, बारिश तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत भाई बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम, लेकिन भाई उसके बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो अभी ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें अभी आगे और निकालना है। लगे रहते हैं शाम तक भाई कितना निकाल पाते हैं।